अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडरबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सीबी चीफ माधवी पुरी बुच के बीच कनेक्शन का दावा किया है। रिपोर्ट में जिक्र किया गया कि जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ था, उनमें सेबी अध्यक्ष की भी हिस्सेदारी थी। अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में हिंडनबर्ग ने कहा कि बाजार नियामक बॉस की प्रतिक्रिया कई नए महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है और इसमें कई महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति शामिल है। इन तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच आइए आपको बताते हैं कि आखिर माधवी पुरी बुच हैं कौन और अब तक किन किन पदों पर काम कर चुकी हैं। रिपोर्ट की माने तो माधवी पुरी बुच ने साल 1989 में ICICI बैंक के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद साल 1993 से लेकर 1995 के बीच माधवी पुरी बुच ने इंग्लैंड के वेस्ट चेशायर कॉलेज में बतौर लेक्चरर काम किया। इसके बाद 12 साल तक उन्होंने कई कंपनियों के सेल्स मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दी। माधवी पुरी बुच कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और बैंकों में भी काम कर चुकी है। इनमें शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक में बतौर सलाहकार के तौर पर और ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल के सिंगापुर कार्यालय में प्रमुख के तौर पर काम करना शामिल है। 1 मार्च 2022 को माधवी पुरी बुच भारत के मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी। यही नहीं, वो सेबी की सबसे कम उम्र वाली प्रमुख भी है। वो प्राइवेट सेक्टर से सेबी अध्यक्ष का सफर तय करने वाली पहली शख्स हैं। माधवी पुरी बुच चेयरपर्सन बनने से पहले सेबी की पूर्णकालिक सदस्य रह चुकी हैं। इस दौरान वो बाजार नियमन, निवेश प्रबंधन और आईटी संबंधी विभागों का कामकाज देख चुकी हैं। बता दें, रविवार को हिंडनबर्ग के आरोपों पर माधवी बुच ने कहा था कि भारत में कई तरह के नियामकीय उल्लंघनों के लिए हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, लेकिन इसका जवाब देने के बजाय उन्होंने सेबी की विश्वसनीयता पर हमला बोल दिया। अब सेबी की ओर से भी बयान जारी कर इन आरोपों को खारिज किया गया है। इन आरोपों के मद्देनजर सेबी प्रमुख माधवी बुच ने कहा, इस संबंध में सभी आवश्यक खुलासे पिछले कुछ वर्षों में सेबी को दिए जा चुके हैं। हमें किसी भी सक्षम प्राधिकार के समक्ष कोई भी वित्तीय दस्तावेज, यहाँ तक कि सभी वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसके खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है, उसने जवाब देने की बजाय चरित्र हनन का प्रयास करने का विकल्प चुना है। बता दें, हिंडनबर्ग रिसर्च एक बार फिर से सुर्खियों में है। पिछली बार अडानी ग्रुप को घेरने के बाद इस बार सीधा सेबी को घेरा गया है। हालांकि हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए तमाम आरोपों को खारिज कर दिया गया है। अब ये देखना होगा कि आरोपों को खारिज करने के बाद हिंडनबर्ग की ओर से क्या जवाब दिया जाता है। मामले से जुड़ी हर अपडेट हम देते रहेंगे आपको। देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।